उसका भी उसका तो कुछ पता नहीं। अभी रिंग भी नहीं हो रहा है और कुछ सूचना नहीं मिल रहा है। रुके थे लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक हादसा गम ही गम, बाकी जिंदगी भर का जख्म। बालासोर हादसे ने कई लोगों की गोद सूनी कर दी, कईयों के सिर से साया छिन गया, न जाने कितने परिवार एक झटके में उजड़ गए। बची तो त्रासदी, तबाही और बेहिसाब दर्द की तस्वीर। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता हैं, बेबस और बदहवास लोग अपने चहेतों की तलाश में भटक रहे हैं। किसी का बेटा आंखों से ओझल हो गया, किसी का अपने भाई से हाथ छूट गया, तो किसी की आंखों के आंसू अपने दोस्त की तलाश में सूख गए। इन हताश लोगों को देखिए, इनका अपना भी मौत के एक्सप्रेस में सवार था। हादसे के बाद वो कहाँ है किसी को कुछ खबर नहीं। ये बताइए, ये जब निकले थे वहाँ से तो आप लोगों को जानकारी थी कि इस ट्रेन में आ रहे हैं? जानकारी दिए थे, वो जो चढ़े थे ना गाड़ी में फोन किए थे जो हम यही गाड़ी में चढ़ के जा रहे हैं। और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे उनका पता चला है? उसका भी उसका तो कुछ पता नहीं। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? अब देखिए लगातार यहाँ पर परिजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल से लेकर जहाँ ये घटना हुई है उन तमाम जगहों पर जाकर कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढा जाए। और ऐसे एक नहीं दो नहीं कई परिवार हैं जिनके अपने इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। अस्पताल से लेकर घटना वाली स्थल से लेकर जो चश्मदीद है उनसे बातचीत कर कोशिश बस यही की जा रही है कि जो उनके अपने हैं उनको ढूंढा जाए और पता चल पाए कि आखिर वो इस वक्त किस हालत में है। ये लोग भी लापता रिश्तेदार की तलाश में भटक रहे हैं। हादसे के दो दिन बीत चुके हैं लेकिन अजय नाम के इनके रिश्तेदार का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। अब भी इन्होंने आस नहीं छोड़ी है। मेरा रिश्तेदार है अजय परिड़ा बोलकर के नाम है, भद्रक भंडारी पोखरी उसका डेस्टिनेशन है, वो बालेश्वर में जॉब करते हैं। हमारे साथ उनका वाइफ ही जॉब करते हैं, उनका हस्बैंड है, वो दीदी हमारे स्कूल। तो ये हाई स्कूल का टीचर है इनका। आपके कलीग हैं? मेरा कलीग है। तो अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई? कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग भद्रक हॉस्पिटल गए, बालेश्वर गए हैं, यहाँ पर लोकल में भी देख रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सीआरपीएफ जवान भी हादसे के बाद से मिसिंग है। उसकी पत्नी और परिवार के दूसरे लोग बेहाल हो रहे हैं। लगातार तलाश करने के बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका है। किसी अनहोनी की आशंका में इनकी आंखें नम हो जा रही हैं। किससे किसको ढूंढ रही हैं आप? हस्बैंड को। कहाँ जा रहे थे वो? छत्तीसगढ़। हाँ। किस ट्रेन से? कोरमंडल एक्सप्रेस से। हाँ। तो आपको कोई सूचना मिली है? फोन मिला। ये फोन मिला है स्पॉट पर से उनका। एक आदमी ढूंढ के दिया और आदमी ढूंढ के दिया। ये उन्हीं का फोन है? हाँ। किस में काम करते थे? सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ में काम करते थे? सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में आपने संपर्क नहीं किया? फोन किया है, वो तो पता नहीं, वो सीआरपीएफ का आदमी आया है। कोलकाता की इस बेबस माँ का चेहरा देखिए, आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई है। इनके जिगर का कलेजा दो दिन से कहाँ है कुछ भी खोज खबर नहीं, लेकिन इस माँ ने हिम्मत नहीं हारी। एक ही लड़का सर, यही एक लड़का है। बहुत तकलीफ हो रहा सर, मेरा बच्चों को हमको ढूंढ के ला दीजिए सर। नजर देखने के लिए तरस रहे सर कि कहाँ से आएगा मेरा बच्चा, कहाँ से आएगा मेरा बच्चा। अपना बच्चा का बिगड़ नहीं रहते है ना, मेरा बच्चा मेरा बिगड़ रहता सर। हमको प्लीज मेरे बच्चे को जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वो बोगी हो सही है, वो बोगी में हमारा थोड़ा सा दिखा दीजिए सर। सर मेरा बच्चा वहाँ तो चुपके नहीं है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद भयावह मंजर है। मुर्दा घर हो, स्कूल हो, सभी का अंतर मिट गया है। भीषण त्रासदी के बाद शवों का ऐसा अंबार लगा कि मुर्दा घर कम पड़ गया। स्कूल के हॉल और क्लासरूम मुर्दा घर में तब्दील हो गए।
तस्वीरें बालासोर के स्कूल की हैं, जहां धुंधली तस्वीरों के पीछे का दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। स्कूल के हॉल में हर ओर सिर्फ शव ही शव, आंखों ने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। बालासोर के नौसी बिजनेस पार्क जो है उधर अभी हम खड़े हुए हैं, हम लोग अपने मुंह पे मास्क लगा के रखे हैं और यहाँ पे मास्क लगाना मैंडेटरी है, कोरोना के लिए नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हैं ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है इधर पूरा भरा हुआ था, जो डेड बॉडी से भरा हुआ था। अभी बहुत सारे डेड बॉडी को लेके गए हैं, लेकिन 97 डेड बॉडीज को लेके गए हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि बहुत सारे डेड बॉडीज यहाँ पे है जो अनआइडेंटिफाइड है, मतलब डेड बॉडी का जो हालत है उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहे कि किसका बॉडी है। देख ही रहे आप, जैसे कि ये पैकेट में डाले हुए है, बहुत सारे बॉडी जो है ये पैकेट में डाले हुए है, और ये बॉडी किसका है, कहाँ से आए है, ये इसका मतलब कुछ भी यहाँ पे नामो निशान नहीं मिल रहा है। लाशों के ढेर में कर्मचारी पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इंतजार मृतक के परिवार वालों का है कि वो अपने चहेतों के शव यहाँ से लेकर जाएं, ताकि आखिरी सफर पर निकले इन लोगों को अंतिम संस्कार मयस्सर हो सके। भयानक हादसे ने हर किसी का दिल झकझोर कर रख दिया है। हादसे में जिनकी जान गई उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और जिनके अपने लापता हैं उनके लिए एक एक पल कितना भारी पड़ रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बालासोर से शिवांगी ठाकुर, धीरज ठाकुर और श्रेयसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी